तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। आज से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो चुकी है। डोर टू डोर कैंपेन करती हुई अब बीजेपी नजर आएगी। इसके साथ ही जनता को लुभाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। लखनऊ के बालू अड्डे से बताया जा रहा है कि जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो चुकी है। जन विश्वास यात्राओं के बाद अब बीजेपी ने प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए घर घर जाएंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं के लिए किए गए कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही लोगों को ये भी बताएंगे कि प्रदेश सरकार ने कैसे अपराधियों पर नकेल कसी, वे घरों को आवास मुहैया कराए, घर घर बिजली पानी पहुंचाने के लिए प्रयास किए और किसानों के जीवन को खुशहाल बनाया। बीजेपी के जनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता और नेता राज्य के 1,74,000 बूथों पर घर घर जाएंगे। 5-5 व्यक्तियों का समूह बनाकर कार्यकर्ता सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में सघन संपर्क अभियान चलाएंगे। सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए संपर्क टोली सरकार की उपलब्धियों को बताने वाले पैम्पलेट, पूरी हुई हर आस, घर घर हुआ विकास भी देंगे। अभियान के तहत 3 श्रेणियों में कार्यकर्ता प्रवास करेंगे। इसमें महिला संपर्क, सामाजिक संपर्क और लाभार्थी संपर्क शामिल है, जिसमें लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी कार्यकर्ता ही करेंगे। संपर्क टोली लोगों के घरों में बीजेपी के स्टिकर और झंडे भी लगाने का आग्रह करेगी। अभियान के तहत 3.5 करोड़ लाभार्थियों से विशेष तौर पर संपर्क की योजना बनाई गई है। बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी रथ बीजेपी सरकार की योजनाओं और गरीब कल्याण की योजनाओं, कानून व्यवस्था में सुधार, गुंडा राज और माफिया राज की समाप्ति, महिलाओं बेटियों की सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों, गरीब वंचित कल्याण की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। और सभी सांसद, विधायक, मंत्री, जनप्रतिनिधि और पार्टी के पदाधिकारी इस जनसंपर्क अभियान का हिस्सा बनेंगे।